दोस्तों नमस्कार, जय माता दी। हमारे बेबी किचन एंड हेल्थ टिप्स चैनल पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत अभिनंदन। और मैं आशा रानी आज आपके लिए बहुत ही जबरदस्त टॉपिक लेकर आई हूँ। तिलकुटी लेकर आई हूँ। मकर संक्रांति पर तिल के व्यंजन पारंपरिक रूप से बनाए जाते हैं। मकर संक्रांति पर तिल के व्यंजन बनाना शुभ माना जाता है। तिल के व्यंजन कई प्रकार से बनते हैं, जैसे तिल के लड्डू, बर्फी, तिलकुटी। आज हम आपके लिए तिलकुटी बनाते हैं। यह बहुत ही स्वादिष्ट बनती है और बनाने में बिल्कुल आसान है। और विनती करती हूँ, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लें। आइए जानते हैं तिलकुटी कैसे बनाएं और उसके लिए क्या क्या सामान चाहिए। ये देखिए, तिलकुटी के लिए 1 पाव तिल, जो सफ़ेद वाले तिल लेने, ये हमने अच्छे से साफ करके रखे हैं और इनको रोस्ट नहीं करना। ऐसे ही कच्चे तिल लेने और ये गुड़, गुड़ पहले से ही पका होता है, और ये 8-10 बादाम। अब तिलकुटी के लिए और दोनों की बराबर मात्रा लेनी है, 250 ग्राम तिल, 250 ग्राम गुड़। आइए बनाते हैं तिलकुटी। सबसे पहले एक मोम दस्ता लेते हैं, ये देखिए, और इसमें तिल डालते हैं, साबुत तिल सफ़ेद वाले। अब इनको कूटते हैं। और यह तिलकुटी हम हर साल बनाते हैं और इनको अच्छी तरह से कूटते हैं, और यह खाने में बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। और इसको पहले अच्छी तरह से कूट लेते हैं। यह देखिए, इसको अच्छे से कूटना है। और ये देखिए, कूटने के बाद ऐसे हो जाते हैं। अब इसके बाद इसमें गुड़ डालते हैं, 250 ग्राम तिल और 250 ग्राम गुड़ डालना है। इसको भी अच्छे से कूटते हैं। और ये देखिए, अच्छी तरह से कूटना है। ये देखिए, गुड़ भी अच्छे से कूट रहा है। और ये देखिए, गुड़ और तिल ये ऐसे जम जाता है नीचे। अब इसको ऐसे चम्मच से निकाल लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं ऐसे। ये देखिए, ऐसे इकट्ठा करने के बाद फिर से कूटते हैं। और अब ये जो 8-10 बादाम हमने रखे हैं, ये भी डाल देते हैं। कूटते अच्छी तरह से कूटना है, तिल और गुड़ अच्छे से मिक्स करना है। और ये तिलकुटी बनाने का सबसे आसान तरीका है। और ये तिलकुटी मकर संक्रांति पर हर घर में बनानी चाहिए। और जैसे लड्डू बनाते हैं, बर्फी बनाते हैं, उसमें ज़्यादा समय लगता है और इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और यह खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती है और बनाने में बिल्कुल आसान। और देखिए, अब हमारा गुड़ और तिल अच्छे से कूट चुके हैं। अब इसको प्लेट में निकाल लेते हैं, ऐसे निकाल लेते हैं। ये देखिए, और ये जल्दी बन जाती है और बिल्कुल आसानी से, और खाने में उतना ही ज़्यादा स्वाद बढ़ता है। और देखिए, अब इसको थोड़ा ऐसे हाथ से मसल देते हैं ऐसे। और अब इसकी तिलकुटी बनाते हैं। और ये देखिए, तिलकुटी एकदम तैयार हो चुकी है। आप इसको जैसे मर्जी शेप में बनाइए, गोल बनाइए, या फिर जैसी आपको पसंद हो वैसे शेप में बनाइए। आज हम ऐसे बनाते हैं, ये देखिए, और कितनी जल्दी बनती है और कितनी स्वादिष्ट बनती है। ऐसे फटाफट दोनों हाथों से बना देते हैं। ये देखिए, और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती है और आसानी से बन जाती है। और ये देखिए, हमारी तिलकुटी बिल्कुल तैयार है। और लड्डू और बर्फी दोनों से स्वाद बहुत ही स्वादिष्ट बनती है और सर्दियों में बहुत ही अच्छी होती है। आप इसको दूध के साथ सेवन कीजिए और नए साल पर तिलकुटी बनाइए और खाइए और खिलाइए, और तिल भी फायदेमंद होता है। और आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिए। जय माता दोस्तों।